मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने 6 एयरबैग्स के समर्थन में शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, 6 एयरबैग वाले गाड़ी में सफर करें और जिंदगी को सुरक्षित बनाएं। इस वीडियो में अक्षय कुमार भी नजर आ रहे हैं। अब यूजर का कहना है कि इस वीडियो के जरिए दहेज प्रथा का प्रचार किया जा रहा है। भारत में दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है। वीडियो में एक लड़की के विदाई के दृश्य को दिखाया गया है। नजर आ रहा है कि पिता बेटी के विदाई करते हुए रो रहे हैं। इसी बीच अक्षय कुमार आते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही। इसके बाद पिता गाड़ी की खूबियां गिनाते हैं, लेकिन अक्षय कुमार 6 एयरबैग्स के बारे में पूछते हैं। वीडियो के अंत में गाड़ी बदल दी जाती है। इस विज्ञापन को दहेज से जोड़कर देखा जा रहा है। कार में 6 एयरबैग्स की बात पर जोर दे रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इस पोस्ट पर बवाल हो गया है। उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान से जुड़े इस वीडियो को शेयर किया था, जिसे दहेज प्रथा से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा वीडियो में नजर आ रहे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को भी राजनेता और सोशल मीडिया यूजर ने निशाने पर ले रखा है। इस विज्ञापन पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह समस्या से भरा विज्ञापन है। कौन ऐसे क्रिएटिव को पास करता है? क्या सरकार सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पैसे खर्च कर रही है या एड में के जरिए दहेज को बढ़ावा दे रही है? तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि भारत सरकार को आधिकारिक रूप से दहेज को बढ़ाते हुए देखना बुरा है। इस विज्ञापन में जिस तरह लड़की के पिता को 6 एयरबैग्स वाले कार में विदा करने की बात कही गई है, यह दहेज की ओर इशारा करता है। बस इसी पर बवाल खड़ा हो गया है। घर की गुड़िया पापा की परी जा रही है, ऐसी गाड़ी में बेटी को विदा करोगे तो रोना तो आएगा ही ना। क्या कमी है इस गाड़ी में? ऑटोमेटिक है, सनरूफ है, इंपोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है। अरे दो नहीं, 6 स्पीकर है। अरे पर एयरबैग तो सिर्फ दो है ना, 6 क्यों नहीं? एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ आगे एयरबैग चलेंगे, पीछे म्यूजिक सुनते सुनते बेटी और जमाई दोनों टाटा बाय बाय हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूंगा, दोस्त हूँ आपका। 1 2 3 4 5 6 अब क्यों रो रहे हो? अब तो सुरक्षित है। ऐसो यार, गाड़ी में 6 एयरबैग्स होंगे तो आपकी ड्राइव ज्यादा सेफ होगी।